अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सुप्रीम पिज़्ज़ा और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। मैदा लिया है 3 कप, नॉर्मल साइज के 3 कप मैदा है। इसके अंदर जाएगी चीनी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून, इंस्टेंट यीस्ट है 1 टेबलस्पून। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर जाएगा दूध 1/2 कप, नीम गर्म दूध है, इसे हमने 1/2 कप दूध इसमें डाला है। इसको हाथ की मदद से हम गूंद लेंगे। साथ ही हम थोड़ा थोड़ा पानी ही इस्तेमाल करेंगे जिससे ये अच्छी तरह गूंद जाए। ये गूंद चुका है, इसे हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब इसके ऊपर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल के इसको लपेट के 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं। चिकन बॉटी हमने लिए 2 कप, इसको बारीक काट लिया है और ये इसके अंदर चली जाएगी। इस ऑयल के अंदर कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। चूल्हे की आंच को हम हल्का रखेंगे, मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे। इसके अंदर शामिल करते हैं स्पाइसेस को, और सबसे पहले जाएगी स्वेट मिर्च 1/2 टीस्पून, दही 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, बोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इससे पिज्जे की में टेस्ट में इजाफा होगा। रेड चिली सॉस 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, व्हाइट वेनेगर 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इन्हीं मसालों के अंदर चिकन को अच्छे से भून लें ताकि सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और चिकन भी अच्छे से गल जाए। ये बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल इसके अंदर से सारा जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। चूल्हा बंद कर देंगे और इसे साइड पे रख देते हैं। पिज्जा डो हमारी बिल्कुल रेडी है, तो थोड़ा हम
दोबारा से गून लेते हैं। थोड़ा सा मैदा छिड़कते हैं। डो के दो हिस्से कर लेते हैं। ओवन मैंने पहले से 120 डिग्री पे गरम कर लिया है। तेल लेते हैं। पिज्जा पैन के अंदर इसको हम रख देते हैं, थोड़ा सा प्रेस करें। ये हो चुका है के अंदर, पिज्जा पैन के अंदर हमने रोटी को अच्छे से बेल के डाल दिया है। अब बारी है सॉस की, पिज्जा सॉस। चारों तरफ अच्छे से फैला दें। चीज डाल देंगे। अगर आप चीज लवर हैं तो ये सुप्रीम पिज्जा आपके लिए बहुत ही मजेदार साबित होगा। इसके ऊपर जाएगा चिकन। चिकन के पीसेस को हम डाल देंगे। इसके ऊपर शामिल होगी शिमला मिर्च। ग्रीन चिली। टमाटर। जाएगा चीज। जाएगा रेड टमाटर। शिमला मिर्च। ग्रीन ऑलिव। लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून। इससे इसकी शेप बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है इसके साथ। आखिर में हम ब्रश की मदद से ऑयल लगा देंगे किनारों पे अच्छे से। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम 120 डिग्री पर 20 से 25 मिनट तक बेक कर लेते हैं। हमारा पिज्जा बिल्कुल बेक होके आ चुका है, बिल्कुल रेडी है। आप इसे देखें कितना खूबसूरत लग रहा है।
बहुत ही मजेदार सुप्रीम पिज्जा बिल्कुल रेडी है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।